नमस्ते गाइस, आज मैं अपने नए व्लॉग के साथ हूँ। यहाँ पर आपको पुआल दिख रहा है। इस पुआल में धान नहीं है, यहाँ पर बिखेरे मतलब लाइन से बन पुआल रखे गए हैं, आपको ये दिख रहा है। और ये जो सामने है ये धान का बोझ है, इसमें धान है और धान को अलग करके इस तरीके से लाइन में रखा गया है। एक पर एक मतलब थोड़े थोड़े करके इस तरह बिछा दिए जाते हैं। और मैं आगे चल रही हूँ, ये आपको फिर से धान का बुश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये धान इन मशीन के माध्यम से, ये जो सामने आपको ब्लू कलर की मशीन दिखाई दे रही है, इसको हमारे यहाँ सुरकनी बोलते हैं, सुरका जाता है हमारी लैंग्वेज में। और ये मशीन पे यहाँ मोटर है, पट्टा लगा हुआ है कि जब बिजली के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से थोड़े थोड़े इन बोझों को लेकर धान को निकाला जाता है। और ये सामने आपको सन दिखाई दे रहे हैं बड़े से प्यारे से। मैं जूम कर रही हूँ थोड़ा पास, थोड़ा और पास, तो यहाँ पे आपको पत्ते भी गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। हवा चल रही है, एक्चुअली मौसम थोड़ा सा ठंडा है और कोहरे में थोड़ा सा धूप है, तो धूप उतनी अच्छी नहीं है। ठंडी में धूप तो अभी तो दिख रही है, लेकिन जब शीतलहर आती है तो दिखना मुश्किल हो जाता है सूर्य को भी। और यहाँ पे इनकी गाय भैंसे हमारे जो पड़ोस में है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे खेत में लहसुन निकल आया है, और जो हमने पिछली बार बोया था वो लहसुन थोड़े बड़े हो गए हैं, 3-4 इंच बड़े हो गए हैं। और हम खेतों में अपने पानी देने जा रहे हैं, तो ये जो पानी जा रहा है वह आलू के खेत में जा रहा है। ये हमने नाली बनाई है, ये मैं आगे जा रही हूँ। तो ये पानी देखिए, ये नाली जैसे टाइप के आलू बने हुए ना, मैंने मेड़ा जो कहा था पिछली बार, मेड़े बनाए जाते हैं, तो इन मेड़ों में पानी दिया जाता है। और आलू को पानी देना ज़रूरी है। 4 रोज़ पहले हमने जो बोए थे उसमें पानी दिए, और यहाँ पे पानी की जो कलकल की ध्वनि है बड़ी ही मधुर है। और मुझे पता नहीं क्या संगीत से प्रेम है, म्यूज़िक बहुत अच्छी लगती है, नेचुरल म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो गीत संगीत है वो तो भाई सबको प्यारे लगते हैं, सबको पसंद है। और पानी में ये जाने के बाद ये थोड़ी झाग जैसे उत्पन्न हुए हैं, तो पानी भाई पानी होता है, किसी के साथ भी कैसे भी ये रंग रूप ले ले रहा है। यहाँ पर मैं नाव बना कर लाई हूँ, मेरी नाव तो बह गई, वो भी टेढ़ी। ये कोई वजह ना तो यस मैं वापस आगे की तरफ रखना चाहूंगी, क्योंकि इसका वजन एक साइड बहुत ज्यादा है, इसलिए बह नहीं पा रही है। हाँ, अब सही है। चाहे जहाँ घूमो उसके इर्द गिर्द घूमो, मेरी नाव पलटना निश्चित है, बह जाएगी। इसे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूँ, आप आगे की तरफ चलें कृपया। यस, शाबाश, जा रही है, बहुत बढ़िया से जाना। मेरा बचपना जाग गया है, वैसे मैं बच्चों से कम भी नहीं हूँ। इस नाली को बांध दिया गया था और दूसरी नाली में पानी खोल दिया गया था, और ये नाव बंद हो गई थी यहाँ चलना, तो हमने दूसरी नाली में नाव को छोड़ दिया। और यहाँ पर मेरी नाव डूब गई, यानी मझधार में थी बेचारी, चल बसी। कैसा लगा मेरा मजाक? यहाँ पर इन नाली में पानी जा रहा था जिस पर हमने पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सारी सब्जियाँ लगाई थी, और उसमें हम पानी दे रहे थे। आलू में पानी देने के बाद हमने सब में पानी भर दिया था। दिवाली के दिन आप सभी को हैप्पी दिवाली। मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, दिए लगाए थे ज़्यादा रोशनी, तो यहाँ पे जो मेरे 5 दिए हैं उसमें से एक बुझ गया था। सबके नाम का हम दिया रखते हैं, भगवान के नाम का। और ये कुएं पे हमारे दिए रखे जाते हैं लाइन से, हमने जितने पेड़ पौधे, नीम के, अमरूद के, जितने भी थे
तुलसी के सब जगह रखे थे और घर में रोशनी लड़ियां झालरें कम लगाई थी। दिवाली के दूसरे दिन भोर में यह 4:30 बजे का समय है। ऐसी मान्यता है कि दिया बुझने के बाद घर में दलिद्रों का वास न रहे, इसलिए लोग हसिया और सूप लेके जोर जोर से पीटते हैं हर घर में जहाँ जहाँ उन्होंने दिया रखा होता है और घर में बजा कर गाँव से बाहर निकाला जाता है। और ये परंपरा हमेशा से चली आ रही है, ये लगभग यूपी के सभी गाँव में होता है। ये सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं जो कि सुंदर से फूल हैं, इनका नाम ऑफिस टाइम है। और इन सुंदर फूलों के साथ आपको सुंदर चिड़ियों की गिलहरी की ध्वनि सुनाई दे रही होगी जो कि आवाज़ है चिड़ियों की। और ये जो फूल हैं जो ज़मीन तक आ गए हैं, ये काफ़ी फैलते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। हमारे यहाँ जो भी आता है इसको देखता है, बिना लिए कोई जाता नहीं, ज़मीन तक आ गए हैं और ये बहुत प्यारे लगते हैं। अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए, मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकूँ। मैं जब तक गांव में हूँ, गांव के बारे में जितनी मुझे जानकारी मिल रही है मैं वो आपको बांट रही हूँ। और क्या मैं कहूँ, इसके साथ मैं टाटा और बाय बाय बोलना चाहूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ जो मुझे दिख पड़ेगा मैं बताऊँगी। ओके, टेक केयर।